जैसा कि हम जानते हैं कि देवों के देव महादेव हर जगह पहाड़ों की चोटी पर ही विराजते हैं, और हिमाचल में भी देवों के देव महादेव के अनेक मंदिर हैं। लेकिन जो सोलन का जटोली मंदिर है, यह बिल्कुल अलग मंदिर है और इसे अलग माना जाता है। कुछ इसके स्टाइल, मतलब इसकी जो बनावट है, वो इसकी सबसे अलग मानी जाती है उसकी वजह से, और कुछ इसके फैक्ट की वजह से। तो उन्हीं फैक्टों को आज हम देखते हैं कि ये क्यों माना जाता है। सबसे पहले तो इस मंदिर का जो बनाने का श्रेय है वो जाता है स्वामी परमहंस जी को। ये स्वामी परमहंस जी एक बार पाकिस्तान से आए थे, ये भ्रमण करते करते हिमाचल पहुँचे। हिमाचल के जो सोलन जिला है वहाँ पे, वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर जटोली जो जगह है वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे भ्रमण करते करते जैसे उनको वो जगह अच्छी लगी, तो जब उनको वो जगह अच्छी लगी तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे अपनी जो तपस्या है वो स्टार्ट कर दी। वो दिन भर कुंड वाले स्थान पर तप करते और रात को गुफा में जाकर सो जाते थे, और वहीं उनकी कुटिया भी थी। और वो जहाँ पे मतलब कुटिया थी वहाँ पे कुछ समय पहले जो गडरिया होते हैं ना, जो गद्दी होते हैं, वो भी वहाँ पे क्या बोलते हैं, विश्राम करते थे। और जब लोगों को पता चला कि वहाँ पे कोई स्वामी है और वहाँ पे तपस्या करने लगे हैं, तो उस क्षेत्र में जैसे पानी की किल्लत पहले से थी और वो समझते थे कि हमारे यहाँ तो पानी की किल्लत है, अगर ये स्वामी जी है, अगर हम इसे इस बात की को उनके सामने रखेंगे तो हो सकता है कुछ समस्या का समाधान निकल जाए। और फिर जब उन्होंने स्वामी परमहंस जी को बताया तो उन्होंने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करके जो तपस्या की, वहाँ से फिर जो पानी की वो टूट धारा पहने लगी, और वो जो धारा है वो आज भी वहाँ पे है। इसका निर्माण है मंदिर का 1980 में स्टार्ट हो गया था, और जो इसके कारीगर थे वो हरियाणा से आए थे, हरियाणा से बुलाए गए थे। और 1983 में ये जो स्वामी परमहंस जी है इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन वो कंटिन्यू रहता है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन वो 33 साल चलता है। तो इसी बात से भी लगाया जाता है ये मंदिर कितना अलग होगा जिसको बनाने में 33 साल लगे। उसके बाद 2013 में इस मंदिर को श्रद्धालु के लिए ओपन किया गया, मतलब 24 जनवरी 2013 को। और इस मंदिर की जो हाइट है वो है 124 फुट के आसपास। और ये जो स्वामी परमहंस जी है, उससे पहले जब ये वहाँ ये है वो गुफा जहाँ पे वो रहते थे रात को, और बाकी जब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया कंप्लीट है, वो इसका ये व्यू है। और वहाँ पे जो ये शिव मंदिर में जो शिवलिंग लगी है वो गुजरात से लाई गई है, और सेप्टिक मणि एक पत्थर होता है उसकी बनी हुई है जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता है, यह गुजरात से लाया गया है। और वहाँ के लोगों का मानना है कि जो चार धाम की यात्रा है अब कई लोग वहीं पे करते हैं। इसमें जो पहला धाम माना जाता है वो है वहाँ की कुटिया जहाँ पे वो विराजमान रहते थे स्वामी परमहंस जी। दूसरा है वो कुंड जहाँ से वो पानी निकला हुआ है आज भी। तीसरा है जहाँ पे उनकी समाधि थी मतलब। और चौथा है वो मंदिर जो आज वहाँ बना हुआ है। कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर कोई मनुष्य है उसको कोई बीमारी है तो जो आदमी है अगर उस कुंड का पानी पिएगा उसको उस बीमारी से मुक्ति मिल जाती है और वो ठीक हो जाता है। और जो फेमस धारणा इस मंदिर के माने के बारे में यह भी है कि जो अगर कोई आदमी 7 रविवार कंटिन्यू इस मंदिर में जाता और अपनी मनोकामनाएं मांगता है कि क्या मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, तो पूरी हो जाती है, लेकिन 7 रविवार कंटिन्यू जाना पड़ता है। इसके लिए यह मंदिर बहुत फेमस है। और यहाँ पर सुनने में आता है कि जब मंदिर में हम हाथ से थप थप की आवाज़ लगाएंगे तो लगता है कि जैसे डमरू बज रहा है, उसके लिए भी यह बहुत फेमस माना जाता है। लेकिन यह तो एक कारीगर का एक नमूना है जो लोग मानते हैं कि जो ऐसी आवाज़ आती है, लेकिन इसका जो बनने का और कारण था मंदिर वो यह है कि कैसे कैसे बना था। बाकी जो इसके जो फैक्ट है ये है, इसका जो स्टाइल है मंदिर का वो है द्रविड़न स्टाइल। हाइट 124 फिट। जो डिज़ाइन जो आर्टिस्ट आए थे हरियाणा से। कंस्ट्रक्शन बिगन हुआ था 1980 में, कंप्लीट हुआ 1983 में, और ओपन हुआ था श्रद्धालुओं के लिए 2013 में। और जो शिवलिंग लाई गई थी वो लाई गई थी गुजरात से, और जो बनी है स्टिक मणि पत्थर से। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।